जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगर आपका रोजगार बंद पड़ गया है, तंत्र मंत्र से किया गया उपाय से आपका रोजगार को बांध दिया गया है, तो उस रोजगार को कैसे आप चालू करेंगे। फिर से उस रोजगार को चालू करने के लिए हनुमान जी महाराज का एक बहुत ही चमत्कारी के उपाय है। उस उपाय को अगर आप करते हैं तो आपका व्यवसाय फिर से चालू हो जाएगा। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको लास्ट तक वीडियो देखना है। कट पिट करके अगर वीडियो आप देखेंगे तो आपको बात हमारी समझ में नहीं आएगी। तो दोस्तों रोजगार हर व्यक्ति के जीवन यापन के लिए सबसे आवश्यक होता है। जिसके पास उचित आजीविका के साधन है वह एक सुखी संतुष्ट जीवन व्यतीत कर सकता है। दोस्तों वहीं जब व्यक्ति के पास रोजगार नहीं होता है तो उसे छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है, जिसके कारण व्यक्ति मानसिक रूप से पूरी तरह से परेशान हो जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को एक अच्छी नौकरी या कारोबार करना चाहता है। यदि आप भी एक अच्छी नौकरी तलाश में है या कोई कारोबार करना चाहते हैं लेकिन उसमें समस्याएं बनी हुई है, तो ये तीन उपाय कर सकते हैं, जिन्हें करने से भगवान हनुमान जी कृपा आपके रोजगार प्राप्ति के योग बनेंगे। दोस्तों आपके पास कोई रोजगार नहीं है या फिर आपका कारोबार ठप हो गया है, जिसके लिए आप लगातार प्रयास कर रहे हैं लेकिन फिर भी परिश्रम के अनुसार फल की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो मंगलवार के दिन सुबह या शाम को किसी हनुमान मंदिर में जाएं और भगवान के सामने बैठकर सुंदर कांड का पाठ करें। यह पाठ लगातार 11 मंगलवार तक करना चाहिए। वैसे तो यह उपाय करने के लिए किसी भी मंगलवार को चुना जा सकता है, लेकिन इसकी शुरुआत करने के लिए हनुमान जयंती का दिन चुनेंगे तो अति उत्तम रहेगा। दोस्तों दूसरी बात आपको बता दें, यदि आप नौकरी की तलाश में हैं और साक्षात्कार इंटरव्यू देना चाहते हैं तो एक लाल रुमाल लेकर हनुमान मंदिर जाएं और उसे भगवान हनुमान जी के चरणों में रख दे। उसके बाद सफलता प्राप्ति की प्रार्थना करें। लौटते समय इस रुमाल को अपने साथ वापिस ले आए। जब भी आपको नौकरी के लिए इंटरव्यू देना जाना हो तो इस रुमाल को अपने साथ लेकर जाए। मान्यता है कि इससे आपको सफलता प्राप्ति होगी। ध्यान रखें कि इस रुमाल को हाथ साफ करने या अन्य किसी काम में न लें। दोस्तों रोजगार या व्यापार की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर दर्शन करने चाहिए। यदि आपको नौकरी नहीं मिल रही या फिर व्यापार में घाटे का सामना करना पड़ रहा है तो शनिवार या मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए और हनुमान जी को पान सुपारी अर्पित करनी चाहिए। चोला चढ़ाने का उपाय 5 शनिवार मंगलवार करना चाहिए और 5 सुपारी का उपाय 11 मंगलवार तक करना चाहिए। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें, ताकि हनुमान जी महाराज की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।